चिल्ड्रेन, ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharshareef.com। नमस्कार, मैं हूं तुषारी, आप देख रहे हैं आई द सिटी न्यूज नेटवर्क। नालंदा पुलिस ने दीपक हत्याकांड के फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश लहरी थाने क्षेत्र के मथुरिया मोहल्ले के टेंडी सब्जी वाले निवासी अरुण कुमार का पुत्र सागर कुमार है। दूसरे मुख्य आरोपी इसके भाई नीतीश कुमार को पुलिस हत्या के 3 दिन बाद ही गिरफ्तार कर जेल भेज दी गई। कार्रवाई सदर डीएसपी के नेतृत्व में की गई है। 6 जनवरी को अहले सुबह दीपनगर के लालबाग के समीप सड़क किनारे एक ट्रक मिला था, जिसमें सोसराया के सहोकर निवासी दीपक कुमार उर्फ पिंटू की लाश थी। बदमाशों ने खंती से वार कर अधेड़ की हत्या की थी। पुलिस ने बदमाशों को किराए के कमरे से हत्या में इस्तेमाल लोहे की खंती, फर्श से खून के नमूने, कमरे की दीवार से खून के नमूने, आरोपी के कपड़े जिसपे खून के निशान है एवं मोबाइल फोन बरामद हुआ है। सदर डीएसपी मोहम्मद शिवली नोमानी ने बताया कि एसपी के निर्देश पे इनकी गिरफ्तारी में जांच टीम का गठन किया गया था, जिसमें दीपनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद समेत अन्य पदाधिकारी शामिल थे। केस की जांच के दौरान तकनीक के सहारे इनको गिरफ्तार किया गया। बदमाश अनिल कुमार के मकान में किराए पे रहता था, जहाँ के कमरे में घटना को अंजाम दिया। 30,000 के विवाद पे ये घटना हुई। फरार की तलाश में टीम लगी हुई है। 6 जनवरी को दीपनगर थाना अंतर्गत मगड़ा चंडी स्थान से एक ट्रंक में एक शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान सोसराय के दीपक कुमार नामक व्यक्ति के रूप में हुई थी। उसमें FIR दर्ज हुई थी। 2 अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस के द्वारा इसमें त्वरित अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पूर्व में 1 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई थी। इसके जो मुख्य अभियुक्त सागर कुमार हैं, जो लगातार जगह बदल बदल के फरार चल रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है दीपनगर थाना क्षेत्र से, जिनसे पूछताछ के क्रम में, जैसा कि मृतक के पुत्र के द्वारा FIR दर्ज कराया गया था कि मृतक के पास जो अभियुक्त हैं उनका पैसा था, उसी पैसे को देने के लिए उनको बुलाया गया था घर से, और जो किराए के मकान में जो सागर कुमार का जो किराए का मकान था, वहाँ खंती से उसकी हत्या कर दी गई थी। जैसा कि FSL की टीम के द्वारा हम लोगों ने जो खंती और जो खून लगे कपड़े हैं उसकी बरामदगी की गई थी, उसी में सागर की गिरफ्तारी हुई है। और पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपराध को स्वीकार करते हुए पूरी घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। पुलिस के द्वारा इसमें जो अनुसंधान के जो शेष बची बिंदु हैं, साक्ष्य संकलन की दृष्टिकोण से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इसमें और भी पहले भी किसी गिरफ्तारी? हाँ, एक नीतीश कुमार नामक इन्हीं के भाई थे, उनकी अरेस्टिंग हुई थी। ये दूसरी अरेस्टिंग हुई है, और जो शेष इसमें इन्वेस्टिगेशन के बिंदु हैं, हम लोग इसमें अविलंब इसमें चार्जशीट कर इसमें त्वरित विचारण हेतु हम लोग माननीय न्यायालय में अनुरोध करेंगे। In the age we live, knowledge is the power. At RPS School provides smart classes along with live classes facilities. Every day, rechoicing of life and discovery with big area campus. RPS School affiliated to CBSE New Delhi. Located at 1st branch Bihar Sharif Kachhari Road and 2nd branch Makanpur Kola Road. The first generation learner from nursery to 12th, we make children to sign. Students grow with holistic formation inclusive of physical, mental, emotional and spiritual in diverse with thousands of knowledgeable books. A green and clean campus, well-planned infrastructure, well-equipped and spacious laboratories. Computer labs with a lot of computer systems, big playground for sports, buzzing with live art and crafts and cultural activities. Well maintained and hygienic hostel facility. Confectional transportation to reach the unreachable children. Write the future of your child in rightness with RPS School.
RPS school is bounded on promises, the promise of delivering the knowledge along with safety of children. Online admission is going on. अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉगिन करें www.rpsbiharshareef.com।